हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीपेटल्स। तो जो पेरीपेटल्स होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, वॉर्म लाइक एनिमल होता है, बायलिटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रैकल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ये अर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है और ऑर्निकोफोरा क्लास का मेंबर होता है। ये जो क्लास होती है सबसे छोटी क्लास होती है, और इसमें एक ही जेनस आता है और 70 स्पीसीज आती हैं। ये जो पेरीपेटल्स होता है ये कनेक्टिंग लिंक होती है एनेलिड्स एंड अर्थ्रोपोड्स की। जो पेरीपेटल्स होता है वो टेरिस्ट्रियल एनिमल होता है, इसीलिए तो वो ट्रकिया मोड ऑफ रेस्पिरेट करेगा, मतलब रेस्पिरेशन करेगा ट्रकिया मोड से। ठीक है, ये जो पेरीपेटल्स होता है ये स्टॉन्स के अंदर रहता है, जो बार्क ऑफ ट्रीज होती है वहाँ पर रहता है, और जो शेडी प्लेसेस होता है वहाँ पे ये रहता है। दिन के टाइम पे जो हमारा पेरीपेटल्स होता है डार्क प्लेस के अंदर छिप जाता है, और जब रात होती है तो खाने की सर्च में बाहर निकलता है, और ये इंसेक्ट वॉर्म्स टर्माइट्स वगैरह जो होते हैं इन सबको खाता है। ठीक है, ये हो गया पेरीपेटल्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो ये होगा पेरीपेटल्स का डायग्राम, जिसके अंदर हमें हेड दिख रहा है, जिसके ऊपर एंटीनास हैं जो सेगमेंटेड हैं, आई है, ओरल पेपेला है, माउथ है, ये पूरी की पूरी इसकी ट्रंक है। जो इसकी जो बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इसमें ट्यूब लाइक स्केल्स प्रेजेंट होती है, तो इसको ट्यूबरकेल्स बोल दिया। इसके अंदर फुट प्रेजेंट होते हैं, फुट के आगे ट्रंक अपेंडिजेज होती हैं जहाँ पे दो क्लोज प्रेजेंट होते हैं, एनस होता है। तो अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे स्ट्रक्चर का। इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, वॉर्म लाइक एनिमल ये है। ठीक है, ये जो एनिमल होता है ये 1 to 2 लेंथ में होता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, डीप ब्लैक होती है कलर में डॉर्सल साइड पे, और लाइट रेड कलर होता है इसका वेंट्रल साइड पे। इसमें कुछ इंटीग्रीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ रिंकल्स और रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन को शो करते हैं, जो सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देंगे, ऐसा गहरे नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, ऐसे बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट पेपिला प्रेजेंट होते हैं, रिसल्स होते हैं डॉर्सल लाइन पे, और इस स्लाइमी सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है जिसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और फूड जो होता है इसका मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ये खाता है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसकी जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होगा इसका हेड और एक होगी इसकी ट्रंक। तो इसका जो हेड होता है ये 3 सेगमेंट से मिलकर बनता है जो आपस में फ्यूज्ड रहती है। इसमें एक एंटीना भी, पेयर ऑफ एंटीना होते हैं। ये जो एंटीना होते हैं इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। हेड के वेंट्रल साइड पे हमें माउथ दिखाई देता है, जो माउथ होता है लिप्स से सराउंडेड होता है, जहाँ पर रिजिस भी होती हैं लिप्स के ऊपर, और इसके अंदर एक पेयर ऑफ जॉज हमें दिखाई देता है, उसके अंदर टीथ होते हैं। ठीक है, और टंग भी होती है इसके माउथ के अंदर, ओरल पैपिला प्रेजेंट होता है, और हर एक जो ओरल पैपिला होता है वो स्लाइम ग्लैंड्स की ओपनिंग को कंटेन करता है, और जो डॉर्सल साइड होता है हेड का वहाँ पर हमें सिंपल आई भी दिखाई देंगी। अलग से डायग्राम है जिसमें हम हेड को आसानी से समझ सकते हैं कि ये हेड है, यहाँ पे एंटीनाज है जो सेगमेंटेड है, फिर ये इनर लिप है, प्रियोरल कैविटी, आउटर लिप, ये सब हेड का डायग्राम आ गया। देन वी डिस्कस अबाउट द ट्रंक। तो जो ट्रंक होती है उसके अंदर 40 to 42 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो सीरियली अलाइंड होती हैं, जितनी भी सेगमेंट्स होती हैं हाँ वो सीरियली अलाइंड होती है। ठीक है, फिर हर एक जो सेगमेंट होती है पेयर ऑफ अपेंडिजेस को शो करती है, जो एनस होता है वो टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी पे, और वेंट्रल साइड पे एनस के नीचे के टाइम नीचे की तरफ एक जेनिटल पोर भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरीपेटल्स, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरीपेटल्स, जिसमें हेड है, ट्रंक है। Like my video and subscribe to my channel. Thank you for watching.